री गुड इवनिंग टू एवरी वन मेरा नाम है सी पाजा एंड आई बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यू जी कैटेगरी एंड बहुत दिन हो गए थे ये बात बोले हुए सो वेलकम एवरी वन टू अन अकेडमी नीट एंड वी आर नाउ रेडी टू डिस्कस समथिंग रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस टाइम पर जिसकी आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है उस चीज़ के साथ मैं हाजिर हूँ आई नो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ा बट जब आप ये पूरा सेशन अटेंड कर लेंगे आई एम श्योर यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग दैट इट वॉज वर्थ द वेट आपका मैंने कभी भी कभी भी पास्ट हो कितना भी पास्ट हो पिछले साल हो उससे पिछले साल हो उससे पिछले साल हो जितने टाइम से मैं इस जर्नी में हूँ आपके साथ ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ किसी भी सेशन में किसी भी बच्चे का हाथ कभी आज तक ना ही छोड़ा है ना ही फ्यूचर में छोड़ेंगे क्योंकि एक बार बेटा जो कमिटमेंट हम कर देते हैं उसको डेफिनेटली हम पूरा भी करते हैं तो बात हो चाहे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की चाहे थ्री की चाहे टू की चाहे वन की हर साल हर बच्चे को पढ़ाया है क्योंकि मैं मानती हूँ मेरा पर्सनल बिलीव है मुझे नहीं पता आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि हर बच्चे में क्या है एक पोटेंशियल होता है एंड उस पोटेंशियल को बाहर लाने के लिए शायद एक गाइड शायद एक सारथी शायद एक वो पर्सन चाहिए होता है जो आप पर बिलीव कर पाए कई बार शायद वो बिलीव हम पे हमारे पेरेंट्स भी नहीं कर पाते हैं कई बार हमारे आसपास के लोग नहीं कर पाते हैं बट आई बिलीव आप चाहे किसी भी स्टेट um, को बिलोंग करते हैं किसी भी शहर को गांव को किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस में है आई बिलीव कि आप सब कर सकते हैं इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे जब एक साल बचाओ तब भी मैम हमारे साथ थे आज छह महीने बचे हैं तब भी मैम हमारे साथ है कल को बेटा जी हमारे पास पांच महीने कल को तीन महीने कल को एक महीने बचा होगा तब भी मैं तुम पर भरोसा नहीं छोड़ूंगी बिकॉज आई स्टिल फील दैट यू कैन है ना क्योंकि इट इज़ नॉट ओवर अनटिल यू गाइज वेन अभी माइंड में सेकंड थॉट्स आते हैं अभी कभी कभी लगता है कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा अभी कभी कभी लगता है कि शायद मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी बट आज के बाद आपको ये लगना बंद हो जाएगा क्योंकि आज के बाद हम वो चीज फॉलो करने वाले हैं जो बहुत बेसिक है चलो बात ये सब छोड़ते हैं ये सेशन सिक्स मंथ रियलिस्टिक प्लान ये जगह जगह आपको मिल रहा है ये सेशन का टाइटल है बट आई डोंट बिलीव कि कोई चीज काम कर सकती है सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दो चार सवाल पूछना चाहूंगी एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो सब बच्चे दिल पे हाथ रख के मुझे उसका ऑनेस्ट आंसर देंगे अगर आप ऑनेस्टी से आंसर देंगे तभी बात बनेगी। ठीक है बताओ फटाफट से चैट में लाइम लुकिंग एट योर चैट बताओ 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 फटाफट से बताओ जी। क्या ऑनेस्टी से आंसर चाहिए ये बच्चों यस yes. बड़े दिन से चैट सेक्शन नहीं देखा था बता दो फटाफट से बड़े दिन से चैट सेक्शन नहीं देखा था बता दो फटाफट से हां जी ऑनेस्टी से आंसर देना ये सब तो यार देखा हुआ तुम्हें पता है क्या करना है क्या नहीं करना मैं कुछ नया नहीं बताऊंगी तुमको है ना नया नहीं बताऊंगी ओके okay. कुछ सवाल बेटा जी मैं आपसे पूछूंगी लेकिन शर्त ये ऑनेस्टी से आंसर देना है जब अगर तुमने उसका मुझे ऑनेस्टी से आंसर दे दिया वहीं पर बेटा जी चीजें वहीं सॉल्व हो जाएंगी है ना सबसे पहले आपका पहला सवाल क्या सच में आपको नीट क्रैक करना है यस बता दो क्या सच में नीट क्रैक करना है यस और नो कम ऑन गाइस टेल मी इन द चैट सेक्शन सच वाला आंसर देना है कोई भी बच्चा किसी पीयर प्रेशर में आगे नहीं करेगा मेरे पापा ने बोला था नीट क्रैक करना है तब करेंगे या मेरी मम्मी ने बोला था मेरा दोस्त कर रहा है मेरे दोस्त की फ्रेंड कर रही है उसकी बहन कर रही है तब नीट क्रैक करना है नो यस सच में नीट क्रैक करना है 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 चलिए मुझे लगता कि कि 99% बच्चों का आंसर मैम तभी हम पर आए नहीं तो हम आपका सेशन ही क्यों देखेंगे हम आपको क्यों देखेंगे हम इस चैनल को क्यों देखेंगे करना है अगला सवाल बेटा क्यों करना है कहना तो बहुत आसान है यार मुझे डॉक्टर बनना है मुझे एम्स से जाकर डॉक्टर बनना है लेकिन क्यों करना है यस yes. कोई तो रीजन होगा सब बच्चे अपना अपना रीजन वन और टू वर्ड्स में बस यहां पर बताएंगे वन और टू वर्ड्स में क्यों करना है यस yes. हाँ जी हाँ जी क्यों करना है बहुत पैसा है पैसा है तो बेटा सेशन छोड़ के चले जाओ इफ योर मोटिवेशन इज जस्ट मनी दैट दिस दिस सेशन इज इज नॉट 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 फॉर फॉर यू यू जर्नी इट शुड बी ओनली मनी कोई सॉलिड मोटिवेशन होना चाहिए आपका कोई रीजन होना चाहिए कोई इंस्पिरेशन होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे कि यार चल उठ थका हुआ है फिर भी काम कर नींद आ रही है फिर भी काम कर मन नहीं कर रहा है फिर भी काम कर क्यों करना है यस yes. बताइए प्रूव करना है ओके okay. किसी को प्रूव करना है हेल्प पीपल ओके वेरी नाइस आपका नोबल कॉज है आपको हेल्प करनी है ये yes. मम्मी पापा को प्राउड फील करना है बहुत ही बढ़िया रीजन है मम्मी पापा को प्राउड फील करना है मेरा ड्रीम है मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए मैं अपने शायद गांव का पहला डॉक्टर होने वाला हूं मैं शायद अपने शहर का अपने परिवार का पहला डॉक्टर होने वाला हूं है ना बहुत अच्छा जब बेटा आपने आंसर निकाल लिया कि मुझे क्यों क्रैक करना है बेटा आप इसका भी आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मुझे कैसे क्रैक करना है यानी कि जिस दिन आपको अपना वाई पता चल गया डॉक्टर दैट सेम डे यू वुड बी नोइंग इन योर हार्ट कि हाउ टू बिकम डॉक्टर उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्या क्या बलिदान देने पड़ेंगे आसान नहीं होगा मैं ये बता दूं लिख के आसान नहीं होगा बेटा 25 लाख बच्चा बैठता है लेकिन 25 लाख में से सिलेक्शन सिर्फ कितनों का होना है एक लाख दस हजार आठ न्यूमेरिकल करने आते हैं यानी कि जिस दिन तुमने अपना क्यों का आंसर निकाल लिया तुम अपना हाउ का आंसर निकाल लोगे तो आज मैं सबको एक टास्क देकर जाऊंगी सबसे पहले आप अपने क्यों का आंसर ना सामने लिख लीजिए एक स्टिकी नोट पे उठाइए एक पेज चार्ट चार्ट पेपर वट यू हैव उसको उठाइए लिखिए कि मैं क्यों डॉक्टर बनना चाहता हूं अपने स्टडी टेबल पर सामने उसको लिखिए तभी बात बनेगी तभी बेटा रोज याद करना पड़ता है कि हाँ आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर फॉर माई पेरेंट्स ने बहुत हार्ड टाइम शायद देखा है बहुत मुश्किलों से शायद उन्होंने मेरे स्कूल की फीस जमा की है बहुत मुश्किलों से उन्होंने मुझे हेल्प की है किताबें लेने में कोचिंग दिलवाने में इंटरनेट दिलवाने में फोन दिलवाने में बेटा आपको लग रहा है आसान है आसान नहीं है आप जब मार्केट में उतरेंगे ना बेटा एक रुपया कमाना भी मुश्किल होता है सो यू हैव टू यू शुड रिस्पेक्ट अगर आपको कुछ भी बना बनाया मिल रहा है ना ये मत समझो कि पेरेंट्स तो करते ही हैं हमेशा पेरेंट्स का ऐसे समझा करो कि ये उनका मेरे पर ना उधार है और ऐसा उधार है जो आप कभी चुका नहीं सकते सिर्फ आप उनको खुश कर सकते हो फ्रॉम द डे वन यू वर बॉर्न आज तक आप 20 साल के हो गए होंगे 18 साल के हो गए होंगे कुछ बच्चे 21 साल तक हो गए होंगे सेल्फलेस लव आपको सिर्फ आपके पेरेंट्स करते हैं और पेरेंट्स ने आज तक जितना किया है तुम कभी उस उधार को चुका नहीं पाओगे लेकिन हाँ तुम उनको खुश जरूर कर सकते हो कैसे खुश कर सकते हो बस एक अपना ड्रीम पूरा करके अपने घर में पहला डॉक्टर बनकर नीट क्रैक करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके राइट right, मेरे बच्चों तो जिस दिन आपको क्यों का आंसर मिल गया ना उस दिन आपको अपने हाउ का आंसर डेफिनेटली मिल जाने वाला है बट एक सच बताऊं एक सच चलो हाउ मुझे पता चल गया कि मुझे रोज एनसीआर पढ़नी है रोज क्लास लगानी है सवाल निकालने हैं टेस्ट सीरीज लगानी है ये सब घिसा पिटा सब पता है है ना सच क्या है सच ये है मेरे बच्चों नो स्ट्रेटेजी कैन वर्क इफ यू आर नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस कुछ नहीं काम करेगा कितने लोग आके बोल जाए मैं भी रोज आके बोल के जाऊंगी हर हफ्ते आऊंगी बताऊंगी बेटा ये कर लेना ये कर लेना लेकिन कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी मेरे बच्चों अगर आप अगर आप सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है कितने बच्चों को लगता है कि वो सैक्रीफाइस कर सकते है मैं भी बताऊंगी मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं बताऊंगी तुम्हें फोर मंथ में क्या करना है बच्चे में छह महीने में क्या करना है मैं आज भी आई हूं बताने के लिए लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी तुम्हें कोई भी बता दे गलत नहीं है वो लेकिन वो तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम लोग करने के लिए तैयार नहीं हो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी तुमको बहुत सारे बलिदान देने पड़ेंगे अपने दोस्तों को छोड़ना है अपने सारे एडिक्शंस एडिक्शंस कौन सी इंस्टाग्राम स्नैपचैट जिस भी तुम पे हो गेमिंग बहुत सारे बच्चे गेमिंग के एडिक्टेड हैं उनको छोड़ना है आपको बहुत सारे बच्चों को नींद बहुत आती है है ना उन सब चीजों को छोड़ना है कोई स्ट्रेटी काम नहीं करेगी अगर तुमने सैक्रिफाइस नहीं किया क्योंकि मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि यार सैक्रिफाइस ये मेरे प्लस वाले बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं प्रोपोर्शनल कॉम्प्रोमाइज़ अब तुम्हारी चॉइस है यार तुमने अगर सैक्रिफाइस कर लिया तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा अपनी डिग्री से कि एमबीबीएस की जगह बीडीएस नहीं करनी पड़ेगी बीडीएस की जगह बीएससी नहीं करनी पड़ेगी तुमने अगर सैक्रिफाइस कर लिया तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा अपने कॉलेज से चाहिए तो एम्स चाहिए मैमसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अदरवाइज बेटा फिर अपने घर के आसपास वाले लोकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना पड़ेगा आज अगर आपने अगले छह महीने तक सैक्रिफाइस कर लिया आपको आने वाले समय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा लेकिन अगर आज आपने सोचा कि यार छह मंथ सिक्स मंथ रिलैक्स कर लू जी लू अच्छे से नो कॉम्प्रोमाइज ही कॉम्प्रोमाइज है बेटा फिर एक लेवल पे नहीं है हर लेवल पे है कॉलेज लेवल पे कॉम्प्रोमाइज कौन सा कॉलेज मिलेगा डिग्री लेवल पे कॉम्प्रोमाइज एमबीबीएस नहीं मिलके कुछ और करना पड़ेगा फिर उसके आगे जॉब पे कॉम्प्रोमाइज उसके आगे मेरे बच्चों आपकी सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज उसके आगे घर खरीदना उस पर कॉम्प्रोमाइज गाड़ी खरीदनी उस पर कॉम्प्रोमाइज फिर लाइन लग जाएगी तो सिर्फ छह महीने अगर आपने अपना दिल जान लगाकर मेहनत कर ली सेक्रीफाइस कर लिया आपको आपके ड्रीम तक सिर्फ ये ड्रीम नहीं है कि मुझे डॉक्टर बनना है ये ड्रीम है मुझे अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरे करने हैं बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं बच्चे भी अपने माँ बाप के लिए कि मैं उनको भी एक लग्जरी लाइफ दे पाऊँ उनके लिए भी कुछ कर पाऊं तो वो चीज तुम्हें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी एंड मैं मानती हूँ हर बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा ये काम कर सकता है हर बच्चे में वो पोटेंशियल है इट इज जस्ट इसके अंदर जिस दिन आग आ गई जिस दिन अंदर से आ गया कि यार मुझे करना है उस दिन तुम्हारा क्रैक हो जाएगा बस उस दिन क्रैक हो जाएगा कोई अलग से बच्चा नहीं आता यार कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बच्चे थोड़ा पैदा होते हैं नॉर्मल बच्चे ही नीट क्रैक करते हैं यानी नॉर्मल बच्चे तुम्हें आगे एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने के लिए हमें बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है अगर तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना है ना बस मेरे बच्चों एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि यार बिलीव करना है कि आई कैन डू इट यू ऑल कैन डू इट मैं मानती हूँ सब कर सकते हैं तो देख लें यार कैसे करना है देख लें चलिए तो सबसे पहले अपना माइंड सेट पे मानते हैं दिल से सब लोग मानेंगे किसी कहने से नहीं होगा मेरे मैंने बोल दिया कि तुम कर सकते हो नहीं कर पाओगे ऐसे पहले दिल से मानो डाउट छोड़ दो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आओ बोलो कि यार मैं कर सकता हूँ सब बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बोलेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ आई कैन डू इट क्योंकि ये माइंड सेट बहुत मैटर करता है आपका एटीट्यूड क्या है इस समय बहुत मैटर करता है क्योंकि जो तुम सोचोगे ना वो हो जाएगा मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है वट एवर यू विल थिंक इट विल हैपन तुम देख लेना अगर तुमने दिल में कहीं सोच लिया ना शायद यार मेरे बस की बात नहीं है चल छोड़ मेरे बस की बात नहीं है बहुत बड़े बड़े लोग जो कोचिंग में पढ़ते हैं वो करते होंगे कोटा जाते हैं वो करते होंगे दिल्ली जाते हैं वो करते होंगे जो दो लाख ढाई लाख की फीस देते हैं शायद वो करते होंगे अगर ये सोचने तो कभी नहीं कर पाओगे चाहे तुम वो ढाई लाख की फीस दे दो कोटा चले जाओ किसी से जाके पढ़ लो जिसने ए आई आर निकाले हो, नहीं हो पाएगा सबसे बड़ी चीज है तुम्हारा माइंड सेट दिल में सोचो और उसको बिलीव करो यार आई कैन डू इट ठीक है सब बच्चे बोलेंगे आई कैन डू इट एंड आई विल प्रूव की कैसे करना है क्योंकि माइंड सेट सबसे बड़ी चीज है वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एटीट्यूड क्या तुम्हारे एटीट्यूड से तुम्हारा रेगुलर डे टू डे बिहेवियर बनेगा तुम बिलीव करोगे ना तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ट देने, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ये नहीं की मेरे आगे ब्लैक हो गया ये गायब हो गया नथिंग बिहेवियर और वैसे तुम्हारे एक्शन होंगे एंड अल्टीमेटली सक्सेस तुम्हारी मुट्ठी में है। तो मैनिफेस्ट आज हम इस सेशन में करके जाएंगे आज सब बच्चे मुझे इस सेशन के कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि मेरा नाम आज से स्नेहा नहीं है मेरा नाम आज से माधवी नहीं है मेरा नाम आज से वृशाली नहीं है आलिया नहीं है आयशा नहीं है ज्योत नहीं है आदित्य नहीं है मेरा नाम डॉक्टर आलिया है मेरा नाम डॉक्टर आदित्य है मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है डॉक्टर विवेक है डॉक्टर हमराज है डॉक्टर तरुण है सब बच्चे लिख कर जाएंगे मुझे चैट सेक्शन में एंड तब मुझे पता चलेगा यार आप लोगों का जोश कितना है आप लोग सच में बिलीव करते हो कि नहीं करते हो क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा मैं लिख के चली जाऊंगी कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक तुमने अंदर से नहीं माना तो यस चलिए तो ये काम आप सब आज कॉमेंट्स में मुझे करके जाएंगे नीचे मैं जितने कमेंट्स होंगे उस हिसाब से बेटा आपकी फिर प्रिपरेशन मैं भी शुरू करूंगी अगर आप नहीं सोच लिया नहीं कर सकते तो फिर मैं आके यहाँ पे क्या कर लूँ है ना मैंने तो हर साल पढ़ाया है जिन बच्चों ने शुरू से बिलीव किया कि वो कर सकते हैं सिर्फ आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हर बड़े कॉलेज में तुमको मिल जाएंगे पिछले दस साल से मैं इस फील्ड में हूँ मैं इस मैनिफेस्टेशन की मैं इस इंटरनल कॉन्फिडेंस की जो बच्चे में अंदर से होना चाहिए उसकी पावर समझती हूँ कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम खुद की मदद नहीं कर सकते है ना मेरे बच्चों और घबराना नहीं है ये नहीं सोचना कि नहीं हो रहा मेरे अभी 260 नंबर आ रहे हैं मेरे अभी 300 नंबर आ रहे हैं मेरे अभी 400 नंबर आ रहे हैं बड़ी चीजों में समय लगता है इट्स नॉट वन डे थिंग हो जाएगा बस हमने अप नहीं करना है बिल्कुल हो जाएगा ठीक है ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम चलिए देखते हैं कैसे होगा कैसे होगा सबसे पहले जो चीज तुम्हें तो रोक रही है मैं उसको जरा हाईलाइट कर दूं क्योंकि मैं इन सारी चीजों को सोल्यूशन करने वाली हूँ सब बच्चे रेडी हैं एक बार चैट सेक्शन में हाँ बता, हाँ करके बता दो लाइक करके बता दो यार सेशन को यस क्योंकि हमें पता है यार ग्रेट थिंग्स टेक टाइम सो तो हम लोग अब हार नहीं मानेंगे वी ऑल कैन डू इट एक बार अपनी पावर अपनी अटेंडेंस अपनी मैनिफेस्टेशन सेशन को लाइक करके बता दीजिए यस कम ऑन मुझे दिखना चाहिए वो जोश मुझे यहाँ पर वो चैट सेक्शन में दिखना चाहिए एंड दिखना चाहिए कि यार सच में वो बच्चा करना चाहता है यस yes, मेरे बच्चों सेशन को लाइक करके बता दो मार्क कर दो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो अपना मैनिफेस्टेशन है ना चलिए तो कैसे करना है सबसे पहले अभी हम लोग आ चुके हैं अक्टूबर में बहुत सीरियस तरीके से पांच मिनट सुन लो वही पांच मिनट में जो मैं बताऊंगी वो करना है वो कर लिया तो डन है जो बीच में रुक गया तुम करोगे और मैं तुम बता दू तुम करोगे चार दिन के लिए दस दिन के लिए महीने के लिए उसके बाद तो सब गायब है चलिए तो अभी हम कहां पर आ चुके हैं ध्यान दीजिएगा अक्टूबर में हमारा पेपर मोस्ट प्रोबेबली कब होने वाला है सब बच्चे बता दो इन द मंथ ऑफ मे तकरीबन तकरीबन मोटा मोटा मेरे पास नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च बस अप्रैल हम काउंट नहीं करते हैं. मेरे पास कितने महीने हैं पांच महीने फाइव मंथ इन फाइव मंथ में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चीजें पूरी करनी है यानी कि इन पांच महीने में मुझे कितने चैप्टर्स पूरे करने हैं अराउंड सेवेंटी नाइन चैप्टर्स पूरे करने मानते हो कितने चैप्टर्स पूरे करने हैं मेरे बच्चों सेवेंटी नाइन चैप्टर्स पूरे करने हैं हो सकता है आपने उसमें से कुछ तीस चालीस चैप्टर कर लिए हूँ पचास भी कर लिए हो कुछ बच्चे सत्तर कर चुके हैं और कुछ तो ड्रॉपर होते हैं सेवेंटी नाइन पहले भी कर चुके हैं एंड अब वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहे हैं ठीक है सेवेंटी नाइन चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं इस समय जो तो प्रॉब्लम बच्चों के साथ चल रही है वो ये है कि यार हमारा बैकलॉग बहुत ज्यादा है कैसे क्लियर करेंगे दूसरा है बैकलॉग के अलावा मुझे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं मैं पढ़ने बैठता हूँ मैं फोन की नोटिफिकेशन देख लेता हूँ मैं चैटिंग करने लग जाता हूँ मैं गेमिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हूँ तो मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मेरी जो सिटिंग uh, है वो उतनी देर की नहीं बन पाती है जो जो बच्चे मुझे बताना कि तुम्हारा क्या रीज़न है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या चीज़ रोक रही है इज इट बैकलॉग बहुत ज्यादा है इज इट की बहुत है अभी भी कुछ बच्चों को हो सकता है कि स्टिल नॉट क्लियर मुझे कहां से करना है, है ना स्टिल दे आर नॉट क्लियर की कहां से करना है कुछ बच्चों को पता होता है कि ना मेरा बैकलॉग है ना मैं डिस्ट्रैक्टेड ना ही मेरे को ये डाउट है कि कहा से करना है मेरे को बस कॉन्फिडेंस की कमी है मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हारा इन चारों में से क्या रीजन है तुम्हें क्या लगता है वॉट इज स्टॉपिंग यू क्या चीज तुम्हें रोक रही है आदत आदत तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन में आ जाएगी है ना बैकलॉग स्लीपिंग भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन एक तरीके से मैं डिस्ट्रैक्शन में काउंट करूंगी है ना यस फिजिक्स फिजिक्स ओके नंबर टू एंड नंबर फोर नंबर फोर मुझे लगता है सबके साथ प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है बैकलॉग भी है डिस्ट्रैक्शंस भी है अब अपने को क्या करना है सारे चैप्टर्स को एक बारी फिर से रिवाइज करना है कितने नंबर का पेपर होता है 720 नंबर का पेपर है सात सौ बीस में से फिफ्टी परसेंट मार्क्स दे आर डेडिकेटेड टू योर बायोलॉजी बायोलॉजी में आपके पास दो चीजें आ जाती है एक आती है बॉटनी एक आती है जोलॉजी जिसमें से ज्यादा टफ आपको कौन सी लगती है बॉटनी आसान कौन सी लगती है जोलॉजी लेकिन अल्टीमेटली हमें कौन सी करनी है दोनों की दोनों बायोलॉजी कंप्लीट करनी है अगर किसी तरीके से हमने अपने 360 में से कम से कम 350 नंबर इंश्योर कर लिए तो क्या तुम्हें तो लगता है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैनेजेबल है क्योंकि आज के समय पर सिलेक्शन बेटा 600 नंबर से नहीं होता है 610 से भी नहीं होता 640 से भी नहीं हो रहा है इस साल बहुत बच्चों के दिल टूटे हैं शायद उनमें से आप भी कोई आ, हो सकता है 620 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया 640 नंबर वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया अब अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए देन यू हैव टू एम फॉर नथिंग लेस देन सेवन नंबर बड़ा लगता है तुम्हें क्यों लगता है मैंने पर क्यों लिखा सेवन हंड्रेड प्लस क्योंकि अब अगले साल से 620 में 630 में बात नहीं बनेगी अब एम करोगे 700 का तब तो परफेक्शन का जो करेंगे अच्छे से करेंगे सिंपल सा तरीका है तो यार बताती हूं किस तरीके से अपन को ये प्लान करना है हां जी पांच सिंपल स्टेप्स फॉलो करने सबसे पहले पांच महीने में आप कोई नई बुक किताब मत निकालिए आपके पास कितने भी अच्छे ऑथर की बुक हो साइड पर रख दीजिए सिर्फ एक बुक आपको फॉलो करनी है क्या सबके पास न्यू है एक बार बता दो सब बच्चे में सेक्शन बताइए क्या सबके पास न्यू टी है बता दो क्योंकि अब हमें स्ट्रिक्टली अगले पांच महीने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है एनसीआर पे और जो चीजें मेरे सिलेबस में दी हुई हैं अब ठीक है हमें नहीं पता इस साल पेपर कौन कंडक्ट कराएगा हमें नहीं पता कि इस साल के पेपर का सिलेबस क्या होगा चीज अभी भी क्वेश्चनेबल है सिलेबस क्योंकि अभी इस साल का 2025 बोल के रिलीज नहीं हुआ है तो अभी तक के लिए हम सिलेबस कौन सा फॉलो करने वाले हैं जो 2024 के लिए आया था ये देखिए बेटा ये सारा सिलेबस 2024 के बुलेटिन में दिया हुआ था यह केमिस्ट्री का है एंड देन ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है हर यूनिट में कौन से चैप्टर्स है कौन चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स हैं तो सबसे पहले हमें मेक श्योर sure करना है कि हम इस 2024 के ही सिलेबस को एक बारी तक फॉलो करें मुझे लगता है अगले एक दो महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा इसमें से जो डिलीट होना है जो ऐड होना है किस लेवल तक का आना है ये सारी चीजें अपने को पता चल जाएंगी अगले कुछ टाइम पे लेकिन जब तक नहीं पता चलती है हम इसी सिलेबस को फॉलो करेंगे ये पूरा डिटेल सिलेबस आधे से ज्यादा क्लास के पास नहीं होगा मैं गारंटी लेती हूँ आप बता दो मेरे पास बता दो कि आपने क्या इस सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला हुआ है जिस तो बच्चे ने यार प्रिंट आउट निकाला हुआ है वेरी गुड जिस बच्चे ने प्रिंट आउट नहीं निकाला है वो आज मैं आपके साथ ये सिलेबस शेयर करने वाली हूं टेलीग्राम पे टेलीग्राम मेरे ही नाम से है दैट इज विद सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल आप इस नाम से सर्च करेंगे थ्री लाख नाइन्टी थाउजेंड तकरीबन सब्सक्राइबर है वहां से आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस कम से कम डाउनलोड कर लो इसको तुम प्रिंट आउट निकाल लो प्रिंट आउट निकाल के सामने रखो क्योंकि सिलेबस वाइज ही चलेंगे बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है सेशन के तुरंत बाद में आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगी तो टेलीग्राम से आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लेंगे कर लेंगे स yes. किस नाम से सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल बस ये लिख देना है तीन लाख नब्बे हजार से ऊपर बच्चे हैं बस उसको ज्वाइन कर लेना है वहां पर आपका सिलेबस आ जाएगा दूसरी चीज पिछले दस साल के पीवाई क्यू करने है आप पिछले सैंतीस साल की बुक नहीं चाहिए तुम्हें थर्टी फाइव ईयर पीवाई क्यू थर्टी सेवन ईयर ट्वेंटी ईयर फिफ्टीन ईयर नो समय कम है अब हम बिल्कुल वो चीज करेंगे जो सिलेबस में से है दस साल के पीवाई क्यू वो भी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा पुराना नहीं करना है रेगुलर अपने को क्या मॉक टेस्ट देने अब टेस्ट से नहीं घबराना है कितना भी कुछ हो जाए मॉक टेस्ट तुमको देने ही देने हैं एवरी मंथ देने ही देने हैं मैं बताऊंगी अभी पार्ट टाइम मॉक टेस्ट का टाइम है एंड फ्यूचर में हम फुल सिलेबस भी देंगे लेकिन धीरे धीरे देंगे मॉक टेस्ट से अब घबराना नहीं है मैं खुद तुम्हारे टेस्ट लूंगी मैं बताऊंगी कि पी वाई मैं कैसे बायोग के कराने वाली हूँ बस तुम एक बार देखते जाओ रेगुलर मॉक टेस्ट एंड एक सिलेबस ट्रैकर को मेंटेन करके रखना है क्या होता है एक सिलेबस ट्रैकर जरा ध्यान दीजिए बेटा इस सिलेबस ट्रैकर पर ये मैंने तुम्हारे लिए सिलेबस ट्रैकर बनाया फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चैप्टर का नाम है आज मैंने लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया तुम्हें हम क्लास में लाइव यहाँ थ्योरी कवर करेंगे चलिए तुमने क्या टिक मार दिया थ्योरी पे टिक मार दिया थ्योरी मेरी डन है बेटा जी क्या मैंने उसकी की? Because बहुत इंपॉर्टेंट अकेली नोट से मेरी रिवीजन एक बारी हुई या फिर मेरी रिवीजन दो बारी हुई या फिर मेरी तीन बारी हुई तो रिवीजन में यहाँ पर हम टैली करेंगे हर बच्चे को अपने पूरे अपडेटेड सिलेबस का इस तरीके से सिलेबस ट्रैकर मेंटेन करना है बायो का भी फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी ताकि तुम्हें एक विजिबिलिटी रहे कि मेरे 79 में से कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिनकी अभी तक मैंने थ्योरी भी नहीं की यार अभी तक मैं बिलीव करती हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं एक एक बारी कम से कम सबकी थ्योरी तो कर ही लेती और एनसीईआरटी कर लेती ये वाले पॉइंट्स बच जाए समझ आता है लेकिन थ्योरी वाला पॉइंट बचना नहीं चाहिए ये कोई कॉलेज का पेपर नहीं है बेटा जिसमें छोड़ के जाएंगे कि दो चैप्टर छोड़ के चले गए नो no. नीट का सिलेबस ज्यादा है थोड़े चैप्टर ज्यादा है बट मैं आपको बता दू ज्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाता इट इज जस्ट एनसीआर टी ओनली सुपरफिशियली पूछा जाता है जिसने अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उस लेवल की करी है ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना एमबीबीएस नहीं करनी है अभी सिर्फ नीट क्रैक करना है बच्चे गलती क्या करते हैं इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आई चलो जी एमबीबीएस लेवल का पढ़ा दो अच्छी बात है क्यूरियस होना अच्छी बात है लेकिन बेवकूफ होना बुरी बात है ये बेवकूफी है अपने सिलेबस से बियॉन्ड जाना ये बेवकूफी है इस समय पर एक्स्ट्रा पढ़ना अगर अभी दो साल पड़े होते तुम्हारी प्रिपरेशन में मैं तुम्हें खुद बोलती कि यार कर लो लेकिन अभी सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ है अब सिर्फ तुम्हारे पास पांच महीने बचे हुए हैं तो ये ट्रैकर भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी इस ट्रैकर को मेंटेन करके रखेंगे एंड बायो में हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 360 करने वाले हैं तो अब बेटा जी समय आने वाला है तुम्हारी एक बड़ी अनाउंसमेंट का तो आर यू रेडी फॉर दैट बिग अनाउंसमेंट यस मेरे बच्चों वो एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दू जिसका सबको इंतजार था कि मैम मैंने इतने कमेंट्स पढ़े इस पूरे एक हफ्ते एक डेढ़ महीने में कि हमारा कब स्टार्ट होगा हम आपसे पढ़ना चाहते हैं हम शायद बैच नहीं प्रमोट अफोर्ड कर सकते हैं जो भी रीजन्स है जो भी रीजन है हम बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं तो अगर तुम्हारा बैकलॉग है अगर तुम्हारा कोई भी पोर्शन बचा है बायो में कहीं भी 320 से कम नंबर बन रहे हैं कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लगता है नाउ इट इस टाइम टू फिनिश दैट क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी का फुल सिलेबस यहाँ पर करवाने वाली हूँ फुल सिलेबस आई एम गोइंग टू तो कवर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्री यूट्यूब सीरीज फॉर यू जैसे मैंने हर साल हर बच्चे को पढ़ाया अगर आप पिछले साल इस चैनल के साथ जुड़े हुए थे आप जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज ऑफ बायलॉजी ऑन यूट्यूब कौन सी थी हमारा शिखर बैच था सेवेंटी फाइव डे हार्ट सीरीज थी हमारा स्प्रिंट बैच था उसके बाद हमारा वन डे वन चैप्टर आया उसके बाद हमारे कंप्लीट यूनिट मैराथन आए और फिर हमारा पूरी बायो आया वही चीज हम इस साल भी करेंगे सिलेबस एक बारी नहीं सिलेबस हम तीन बारी पूरा करेंगे और तुम देखोगे इसी चैनल पर यहीं पर यही तुम्हारी मैम तुम्हें सिलेबस कंप्लीट कराएंगी और इस लेवल का कराएंगे कि मेरे बच्चों के नंबर 350 से नीचे नहीं गिरेंगे और अच्छे बच्चे 360 लेके जाएंगे यस yes? तो आर यू एक्साइटेड फॉर दिस वाई सीरीज ये सीरीज बेटा जी हम शुरू कर रहे हैं परसों से इस सीरीज का नाम होने वाला है एन सी टी वर्ड बाई वर्ड एनसीआर 360 मैंने इसका 360 नाम क्यों रखा है

कि यार मेरे मार्क्स जो है वो तीन में से तीन सौ है दूसरा रीजन एनसीआर थ्री सिक्सटी वो सीरीज होने वाली है जो तुम्हें हेल्प करेगी अपनी 360 डिग्री कवरेज कुछ नहीं छूटेगा ये एक ऐसी सीरीज होने वाले हैं जिसमें हम क्लास में एनसीआरटी बेस्ड हैंड रिटर्न नोट से करने वाले हैं एन बेस्ड नोट्स रहेंगे एक एक वर्ड इस सीरीज के बेटा टाइटल में एक और लाइन है दैट इज वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड हम एनसीआरटी का यहां पर डन करने वाले हैं मेरा ये प्रॉमिस है कि तुम अगर आए हो तो क्लास में लर्न करके जाओगे खास बात सीप मैम की क्लासेस की है मैं यहाँ पर कोई पीपीटी नहीं लेके आऊंगी ना मैं बिलीव ही नहीं करती कि मैं लिख के लेके मैं बिलीव करती हूँ मैं क्लास में आके मेहनत करूंगी तो तुम भी सेशन में आके मेहनत करोगे मैं क्लास में आके अगर तुम्हें लर्न करवा रही हो तो तुम भी लर्न करके जा रहे हो ये सीरीज वो होने वाली है जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ सेशन के अंदर ही सारे लेटेस्ट पी क्यूज भी करने वाले हैं ये सीरीज वो सीरीज होने वाली है जिसमें हर दिन तुमको क्लास के बाद क्या मिलने वाली है प्रैक्टिस पेपर मिलने वाले हो इस प्रैक्टिस पेपर से तुम घर जाकर यानी कि क्लास के बाद उस चीज को सॉल्व करोगे अब इसके बाद भी अगर तुम्हारे 360 नंबर नहीं बने तो बेटा जी फिर गलती किसी और की नहीं कहीं ना कहीं कमी फिर हमारे में ही हो हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा तो दिस सीरीज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th ऑफ अक्टूबर जिसका नाम है एनसीईआरटी 360 वर्ड बाय वर्ड इसी चैनल पर होने वाली है चैप्टर वाइज होने वाली है मैंने कुछ तुम्हारे लिए ऑर्डर प्लान किया है लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार आप अपना ऑर्डर मुझे जरूर इस कॉमेंट्स में नीचे ज़रूर लिख कर जाए ठीक है लिख कर जाए एंड बताएं कि आप किस चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं मैं आपको अपना प्लान बताती हूँ कि मैंने क्या सोचा था सबसे पहली चीज़ हाँ जो बच्चे पूछ रहे हैं ये वाई टी सीरीज होने वाली है बिल्कुल इट इज़ गोइंग टू बी अ फ्री वाई टी सीरीज़ यही इस चैनल पर होगी यानी कि चैनल का नाम है अन अकेडमी नीट आपने आई होप इसको सब्सक्राइब कर ही लिया होगा ठीक है सेशन का टाइमिंग होने वाला है डेली पाँच बजे कब से चालू होने वाली है ऑफ ऑफ अक्टूबर अक्टूबर से 10th से ठीक है yes. यस डेली पर लाइव लाइव क्लास क्लास होगी एंड में आप तीन चीजें लेकर आएंगे परसों लेकर आना ठीक है पीपीएफ पुराने बच्चों को पता है पीपीएफ क्या होता है नए बच्चों को बता दू बिना पीपीएफ के कोई नहीं आएगा मेरे पास ठीक है बिना पीपीएफ के कोई नहीं आएगा यानी कि पेन पेपर एंड फोकस आपके पास चाहे पुराने नोट्स हैं चाहे नहीं है आप प्लस स्टूडेंट हैं चाहे नहीं है आप आइकॉनिक स्टूडेंट हैं नहीं है आप कहीं और से पढ़ते हैं नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए हर बच्चा एक समान है मैंने कभी किसी बच्चे में फर्क नहीं किया कि यार ये मेरा है ये यहां से पढ़ता है ये वहां से पढ़ता है ये ऑफलाइन का है कहीं का मुझे फर्क नहीं पड़ता है मुझे सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि अगर कोई बच्चा मेरी क्लास देख रहा है तो मैं उसे ऐसा कॉन्टेंट दूँ जो कि रेलिवेंट हो मैं उसे ऐसा कॉन्टेंट दूँ जिससे उसका सिलेक्शन हो बाकी मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से आए हैं पहले कर रखा है नहीं कर रखा पेन लेकर आना है पेपर लेकर आना है यहां पर हाथ जोड़कर नहीं बैठना है क्लास में आपको साथ साथ स्क्रिबल करना है अगर आपके नोट्स नहीं बने हो तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अगर मैं कर रही हूं तो तुम भी करोगे एंड फोकस से बैठना है क्या आप इतना कर सकते हैं मुझे बता दो क्या बच्चे इतना कर सकते हैं एक बार सेशन में आग लगा के आग वाली इमोजी बड़ी देर से नहीं आई आग ला के बता दो यस बता दो फटाफट से यस चैलेंज होने वाला है ये यहाँ पे आज मैं जानती हूँ कि सब बच्चे यस बोल के जाएंगे मैं तुम्हें लिख के दे रही हूं पहले दिन थोड़ा कोई नो बोलता है फर्स्ट डे तो सब यस बोलते हैं आपको याद होगा जब पहले दिन तुम कॉलेज में जाते हो या स्कूल में तुमने एडमिशन लिया किसी भी क्लास में नई नई बुक्स नई नई किताबें पहले दिन तो यार मजे अच्छे से करेंगे बहुत अच्छा लग रहा है साइंस की बुक मैथ्स की बुक सब अच्छा लगता है जोश होता है क्लास को करने का देखो यार तुमसे पूछो कोई बहुत दिनों बाद छह महीने बाद एक महीने के बाद कैसे मोटिवेशन डाउन होता जाता है तो मोटिवेशन ग्राफ तो बेटा जी डाउन होगा ही होगा लेकिन हमें किस ग्राफ को फॉलो करना है हमें सिर्फ एक ग्राफ को फॉलो करना है दैट इज कंसिस्टेंसी आई ओनली नीड वन प्रॉमिस फ्रॉम यू दैट इज टू रिमेन कंसिस्टेंट इन दिस सीरीज रेस्ट आप मुझ पर छोड़ दीजिए

आपका जोश तब पता चलेगा जब मुझे मेरे फर्स्ट सेशन में मैंने फर्स्ट यूनिट डिसाइड कर लिया बेटा वो बायोलॉजी का बेसिक्स है तो हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले मैं आपको ऑर्डर बता देती हूँ एक चैप्टर मैं बताऊंगी अगला चैप्टर तुम डिसाइड करना मेरे अकॉर्डिंग बायो शुड स्टार्ट विद सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है सेल होगा तभी तो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देन मेरा अगला चैप्टर होने वाला है सेल डिविजन क्योंकि सेल डिवीजन नहीं किया तो जेनेटिक्स नहीं आएगी जेनेटिक्स नहीं आएगी तो बायोटेक्नोलॉजी नहीं आएगी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स और सेल डिवीजन नहीं आया तो आपके 360 में से आधे नंबर तो वैसे ही चले जाते हैं बिकॉज दे आर मोस्टली हाई यूनिट्स ये तीनों हाई वेटेज है इसमें से कितने सारे सात आठ क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स में से कितने सारे तकरीबन अस्सी नब्बे नंबर का पेपर जो है वो जेनेटिक्स में से आता है बारह क्वेश्चन तकरीबन आपके बायोटेक्नोलॉजी में से आते हैं है. तो पहले हम ये स्टार्ट करेंगे आई नो बहुत बच्चे ट्वेल्थ करना चाहते हैं आपकी बोर्ड्स है बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो टेंशन मत लो मेनली ट्वेल्थ में जेनेटिक्स और बायोटेक का वेटेज रहता है लेकिन वो तब तक नहीं समझ आएगा जब तक मैं डिवीजन नहीं कराऊंगी तो आप पांच दिन का वेट कर लीजिए पांच दिन में हमारी ये दोनों चीजें हो जाएंगी जैसे ही हमारा ये शुरू हो जाएगा देन विल शिफ्ट टू द ट्वेल्थ क्लास ठीक है जी यस yes, इसके बाद मेरा प्लान है कि आपको जेनेटिक्स कराएंगे जेनेटिक्स के बाद मेरे बच्चों बायोटेक कराएंगे बायोटेक के बाद तुम्हारी फिजियोलॉजीज कवर करा देंगे यहां पर तुम्हारा मेन वेटेज के अकॉर्डिंग बायोलॉजी विल बी डन एंड बाकी जो शूटर पुटर बच जाएगा लर्न करने वाला किंगडम्स मॉर्फोलॉजी एंड एवरीथिंग वी विल डू यस अच्छा करने के लिए सब रेडी है करने के लिए सब रेडी है है ना लेकिन सबके बस का है नहीं ये मैं तुम्हें बता दूं सबके बस का है नहीं आसान नहीं होना पड़ेगा आसान नहीं है है ना आसान नहीं है तो सबसे पहले अपने माइंड सेट में सोचना कि यार मैं कर सकता हूं करने के बाद मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि यस मैम वी आर गोइंग टू अटेंड तो मैंने जो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास का लिंक ऑलरेडी पिन कर दिया है क्लास शुरू होने वाले टेंथ ऑफ अक्टूबर को अगर क्लास में शुरू होने से पहले पाँच से कम का अटेंडेंस रहा तो क्लास शुरू नहीं होगी ये मैं आपको भी लिख के बता रही हूँ

दूसरा काम जो जो बच्चे ने ड्रीम देखा कि यार मैं डॉक्टर बनूंगा सब बच्चे यहां पर लिख कर जाएंगे क्या लिख कर जाएंगे क्या नाम है आपका आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल एविका साक्षी लिख कर जाएंगे कि यस मैम आई कैन डू इट क्योंकि सपना तो देखा है ना विश भी किया है तो अब करते हैं शुरू करते हैं और सिर्फ शुरू नहीं करेंगे खत्म करके जाएंगे स्टार्ट हर बच्चा करता है फिनिश कोई कोई कर पाता है आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो बच्चा एंड तक रुकेगा सीरीज के एंड तक रुकेगा वही बच्चा तुम्हें 340 से ऊपर नंबर लेता हुआ नजर आएगा बाकी नहीं तो 280, 200, 250 नंबर तो सब ले लेते हैं इधर उधर से पढ़ के खुद से NCRT पढ़ के भी ले लोगे तुम्हें मेरी जरूरत कहाँ है तुम्हें मेरी जरूरत है तीन सौ चालीस से ऊपर लेने की तुम्हें मेरी तीन सौ साठ लेने की तो जिस बच्चे का एम तीन सौ चालीस से ऊपर हो तीन सौ साठ हो सिर्फ वही एनसीआर थ्री सिक्सटी सीरीज अटेंड करे ठीक है तो लिख कर जाना की याराई नेम इज डॉक्टर साक्षी एंड आई विल मेक श्योर की हम ये एनसीआर थ्री सिक्सटी डिग्री में क्या रहे कंसिस्टेंट रहे लिख कर जाएंगे अपना नाम सीरीज का नाम एंड यस आई विल स्टे कंसिस्टेंट आई विल अटेंड दिस फुल सीरीज प्रॉमिस खुद से करके जाना मुझसे मत करो ना मुझसे नहीं करना मुझसे करे हुए प्रॉमिस बच्चे तोड़ देते हैं उनको डर नहीं लगता ना मैम से तो किया था मैम तो ऑनलाइन मैम है ऑनलाइन मैम थोड़ा हमें कुछ कहेंगी ना हमारे पापा को पता ना मम्मी को पता खुद से करके जाना क्योंकि जब खुद से करते हो ना प्रॉमिस तो एक डर होता है कि यार मैं लिख के गया था मैंने अपने आप को बोला था एक शर्म आती है है ना अंदर से एक एम्बेरसमेंट फील होती है तो मेरे से मत करना खुद से करके जाना चैट बॉक्स में करके जाना और फिर महीने बाद आकर दो महीने बाद आकर मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस खुद दिखाऊंगी इस चैट बॉक्स में कि यार हुआ या फिर नहीं हुआ ठीक है मेरे बच्चों खुद से करके जाइएगा यस yes, मेरी पुरानी यूट्यूब क्लासेस के जो व्यूज हैं बेटा मिलियंस में है आप जाकर देख लीजिए राइट एनी चैप्टर राइट डाउन सीपूजा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आप मेरे लिंक ट्री पर जाकर देख लीजिए आप गूगल पर डालिए सीप पाहजा लिंक ट्री

चलिए तो शुरू करते हैं इस सीरीज को सेशन ऑलरेडी पिन हो चुका है आई विल वेट फॉर यू एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी लेकिन तुम्हारा प्रॉमिस मुझे कॉमेंट्स में चाहिए जितने ज्यादा कॉमेंट होंगे उतना मुझे पता चलेगा यार कौन सीरियस है एंड एक तरीके से ना अपना कॉम्पिटिशन देख लेना तुम कॉमेंट जब भरेंगे अपने तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं दोस्त हैं लेकिन कॉम्पिटिटर्स हैं क्योंकि एमबीबीएस की सीट बेटा बट नहीं रही है बहुत लिमिटेड सीट है हमें छीननी पड़ेंगी और उस सीट को छीनने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए रेडी हूं मुझे कुछ भी करना पड़े मेरे बच्चों मैं करने के लिए रेडी हूं ठीक है यस मेरे बच्चों रेडी हैं बता दो एक बार क्योंकि मैं ना एक बहुत ही एक कोट है जो मुझे बहुत दिल को छू जाता है क्योंकि जितनी मेहनत बेटा आपके सपनों को पूरा करने में लगती है ना उससे ज्यादा दर्द होता है जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं एंड मैं नहीं चाहती कि आप वो बच्चे बने जिनको वो दर्द फील करना पड़े कि जब सपने टूटते हैं जब सपने पूरे नहीं होते हैं और मैं मानती हूँ कि अभी समय गया नहीं है अभी भी आपके पास समय है आप सब क्रैक कर सकते हैं आप सब कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी बच्चा उस दर्द से ना गुजरे क्योंकि सपने जब टूटते हैं ना उनका बहुत ज्यादा दर्द होता है ठीक है एंड एक चीज याद रखना बेटा मेहनत से जो डर गया जिसने सोचा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा इतना मैं नहीं आठ घंटे लगातार क्लास देख सकता हूँ मैं नहीं उसके बाद आठ घंटे रिवाइज कर सकता हूँ मैं नहीं बेटा मेरे को तो दस घंटे सोने की आदत है तो मैं आप तुम्हें बता दूं यार मेहनत से डर कर जो सपना छोड़ेगा मेहनत से डर कर जो सपना छोड़ेगा यार तो उसका सपना था ही नहीं वो तो बस एक ख्याल था तो अगर तुम्हारा नीट सिर्फ ख्याल है तो तुम छोड़ दो मत आना लेकिन अगर सपना है तो मेहनत से मत भागना ठीक है मेरे बच्चों मेहनत से मत भागना तो दो चीजें मुझे कमेंट्स में जरूर बताकर जाइएगा आपका नाम उसके आगे डॉक्टर एनसीईआरटी 360 सब बच्चे रेडी है एंड आई विल स्टे कंसिस्टेंट यस आई विल स्टे कंसिस्टेंट और कर सकते हो बेटा सपने टूटने का डर ज्यादा होता है अभी मेहनत का डर थोड़ा कम होता है तो मेहनत के डर से नहीं घबराओ 6 महीने का दर्द है एक बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया उसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी लाइफ आसान है लाइफ तब भी टफ है लाइफ में स्ट्रगल हर समय है आज मेरे लेवल पे भी स्ट्रगल है जॉब करने के बाद भी स्ट्रगल है बूढ़े हो जाएंगे तब भी स्ट्रगल है लेकिन एटलीस्ट एक लाइफ में अचीवमेंट फील होगी कि यार उस साल 2024 में 2025 हजार में मैंने बहुत मेहनत की थी एंड उस वजह से आज मैं अपना ड्रीम जी रहा हूँ जब ड्रीम तुम अपना जीना शुरू कर दोगे ना एमबीबीएस कर बी एस करोगे एम करोगे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तब एक अंदर से सेटिस्फेक्शन से रहेगी यार लाइफ में मैंने कुछ तो अच्छा किया ना, कुछ तो पूरा किया राइट तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अपनी एन 360 टी की सीरीज को सेशन पेंड है अपनी अटेंडेंस मार्क करना कमेंट जरूर करके जाना दूसरा बेटा आपको एक खुशखबरी और देनी चाहिए थी जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम माय प्लस एंड आइकॉनिक बैचेस उनके लिए अभी चल रहा है फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ कितना ऑफर चल रहा है 50 मेरे बच्चों ऑफ चल रहा है एंड टू टू मंथ्स का एक्सटेंशन जो है वो आपके लिए फ्री है डिस्क्रिप्शन में लिंक में पिन करा क्योंकि में क्या होता है आपकी क्लास तो लगती है डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं साथ में आपको प्रॉपर नोट्स का रेपोजिटरी मिलता है बहुत सारे क्वेश्चन का बैंक मिलता है आप अपने टेस्ट खुद से बना सकते हो ये सारी चीजें आपको प्लस में मिलती है तो कोड आपको क्या लगाना है सी प्लाइफ फॉर माई गाइडेंस टू कम अंडर माई गाइडेंस ठीक है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और से पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए मैंने स्पेशली लॉन्च किया है ओनली बायोलॉजी बैच इस बायोलॉजी बैच में आपके पास आने वाले सारे सेशन लाइव एंड साथ में ओल्ड सेशन रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे यानी कि मेरा पूरा कॉन्टेंट आपको मिल जाने वाला है इस फिनिक्स बायोलॉजी बैच में यह बायोलॉजी बैच बेटा स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर फोर्टीन से नीचे मैंने इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपको बस कोड लगाना है सीप लाइव एंड आप इस ओनली बायो बैच में भी इनरोल कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इधर उधर से दैट इज परफेक्टली फाइन आप ओनली बायोमिर से पढ़ सकते हैं इस बैच में आपको सारे क्लासेस लाइव आने वाली एंड साथ में टेस्ट मिलेंगे पुराने टेस्ट भी देख सकते हो नए जो होंगे वो तो आप देख ही पाएंगे डाउट क्लियरिंग सेशन देख सकते हो साथ में बेटा जी आपको पूरा जो बायोलॉजी का कॉन्टेंट है वो इसमें मिलने वाला है ठीक है और जो बच्चे हमारे पढ़ने चाहते हैं इलेवेंथ और ट्वेल्थ के उन सब के लिए अलग अलग बैचेस है इलेवेंथ वालों के लिए हमारे पास निम्बस बैच है ट्वेल्थ वालों के लिए हमारे पास फिनिक्स uh, बैच से आप ट्वेल्थ और ड्रॉपर दोनों कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो यू कैन ज्वाइन नाउ कोड आप सबको पता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है है ना नीचे मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यस चलिए निम्बस प्रो रिलोडेड जो बच्चे अभी क्लास इलेवंथ में पढ़ते हैं उनके लिए भी आ चुका है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन तो अगर आप दो साल के बाद नीट देने वाले हैं देन दिस इज द बैच फॉर यू अगले साल नीट देना है देन फिनिक्स इज द बैच फॉर यू चलिए तो मिलते हैं अगली कक्षा में अगली कक्षा हमारी होने वाली है परसों परसों ले लेक्चर वन होने वाला है शुरू करेंगे सेल से हर चैप्टर को हम तकरीबन दो या तीन दिन देंगे कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज एवरीडे पीवाईक्यूज एवरीडे डीपीपीज एंड यू विल सी ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है नीच 2025 की प्रिपरेशन के लिए बट इस सीरीज से सिलेक्शन से तभी आएगा अगर आप इसको उतना ही सीरियसली लेंगे जितना सीरियसली आप अपने पेड बैचेस को लेते हैं तो चाहे आप प्लस के बच्चे आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आप कहीं और से पढ़ते हैं तो भी आपका बैकलॉग क्लियर करने के लिए रिविजन के लिए दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट सीरीज सो आई सी यू नाउ डे आफ्टर टमोरो मेक श्योर दैट यू कॉमेंट योर नेम डॉक्टर लगा के एट एनसीआर थ्री सिक्सटी से के साथ हम रहेंगे कंसिस्टेंट क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो एवरेज को क्या बना सकती है और कोई नहीं बना सकता सिर्फ कंसिस्टेंसी आई क्यू लेवल थोड़ा कम भी है ना इंटेलिजेंस कम भी है, चल जाएगा लेकिन कंसिस्टेंसी से तुम सब चीजों को हरा कर हर इंटेलिजेंट पर्सन जो आज तक फर्स्ट आता था उसको भी हरा कर तुम आगे निकल सकते हो तो लेटेस्ट प्रूव एवरी वन रॉन्ग एंड उन लोगों के मुंह बंद करते हैं जवाब देते हैं उन सबको जो लोग हमारी हार का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जीतने का मजा तो बेटा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हो तो आप दिखा देते हैं कि किस तरीके से इस चीज को हमें हासिल करना है थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर आई सी यू नाउ डे आफ्टर टुमोरो टेंथ ऑफ अक्टूबर इज अ डे फाइव पी एम इज अ टाइमिंग सी यू गाइज